हर साल की तरह है इस साल भी सावन के पावन माह में इस बार भी बालाजी मंदिर घाटा रामराज रोड से सभी भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा पढ़कर मुख्य अतिथि जिला सचिव शिवसेना गौतम चुनारा ने यात्रा को ध्वज दिखाकर शुभारंभ किया, जो कि 401 ध्वजों की पदयात्रा है जिसमें सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लगभग 4 साल से यात्रा शुरू की गई है, जो कि 101 ध्वज से यात्रा शुरू की गई थी, जो कि अब 401 ध्वजों तक पहुंच चुकी है, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं यात्रा के रास्ते भक्तों के लिए शिवसेना के द्वारा जलपान एवं भंडारे की व्यवस्था भी की गई। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस मौके पर पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। लाइव उत्तराखंड के लिए बाजपुर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। युवा सेना के द्वारा बाजपुर क्षेत्र की एक नई पता चालू की गई है, जो कि बाजपुर बालाजी घाटा से हर वर्ष 4 सालों से लगातार हनुमान धाम, जब से हनुमान धाम में स्थापना हुई है रामनगर छुई में, तब से युवा सेना ध्वज यात्रा निकल के जा रही है और हर साल ध्वज यात्रा बढ़ती जा रही है। भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है, इसी प्रकार से यहाँ ध्वज भी बढ़ रहे हैं और जो भक्त यहाँ से पैदल चलकर वहाँ ध्वज चढ़ाते हैं और उनकी हर वर्ष मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर ये ध्वज यात्रा का दिन प्रतिदिन प्रतिदिन चला जा रहा है और आने वाले समय में ये ध्वज यात्रा एक विशाल रूप लेगी और हो सकता है ये हजारों में पहुंचेगी ध्वज यात्रा। इसी तरीके से मैं सभी भक्तों से भी निवेदन करता हूँ कि हर साल इस तरीके से बढ़ चढ़ के युवा सेना के साथ भाग लें और ये ध्वज यात्रा यूं पद यात्रा करते हुए हनुमान धाम में चढ़ाएं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करें। ये सावन के पावन माह में 4 वर्षों से लगातार चौथी यात्रा है। जय उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।